हेलो दोस्तों, तो SBI दे रहा है इंस्टा सेविंग अकाउंट पर दो दो डेबिट कार्ड, जो कि हमने पिछले वीडियोस में आपको इंस्टा सेविंग अकाउंट खोलना और ATM कार्ड अप्लाई करना बताया था। तो आज मेरे पास मेरे दोनों ATM कार्ड आ गए हैं और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको मिला है। तो सबसे पहले हम दोनों डेबिट कार्ड को देख लेते हैं, जो कि स्पीड पोस्ट से आए हैं, और हम इसे भी देख लेते हैं, ये भी स्पीड पोस्ट से आया है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस मिल जाएगा। तो हम चलिए पहले इसे खोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मजबूती से चिपकाया हुआ है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति से ना खोल सके। तो पहले हम इसे अच्छे तरीके से खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरा कार्ड है और उसका कवर, और उसके बाद एक आपको इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलेगी। इसमें पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए एक पेपर, इसमें मेरा कार्ड लगा हुआ है। ये SBI का वीज़ा कार्ड है जो हमने अप्लाई किया था। इस पेपर पर भी आपको अपना एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने इसी नाम से अकाउंट ओपन करना आपको बताया था और ATM कार्ड अप्लाई करना भी इसी नाम से बताया था। और आप देख सकते हैं ये वीज़ा का कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, इस पर वाईफाई का सिंबल भी बना हुआ है। तो पहले मैं इसे इस पेपर से निकाल लेता हूँ, जो एक बहुत ही मजबूत गूंद से चिपकाया जाता है, ताकि कहीं पर ये गिर ना सके। तो मैंने पहले इसको निकाल कर थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको वीज़ा कंपनी का एक होलोग्राम भी दिखेगा। तो पहले मैं इसे साइड में रख कर आपको इस कार्ड की लिमिट्स बता देता हूँ। इस कार्ड से आप डेली 40,000 रुपये तक का विड्रॉल और 75,000 रुपये तक का शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ATM पिन जनरेट करने का इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा। आप अपना ATM पिन कई तरीक़ों से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है ATM पिन जनरेट थ्रू ATM, और दूसरा तरीका है ATM पिन जनरेट थ्रू SMS, और तीसरा तरीका है ATM पिन जनरेट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो हमने आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ATM पिन जनरेट करना बताया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से घर बैठे अपना ATM पिन जनरेट कर सकेंगे। और अब हम इसे साइड में रखकर दूसरा वाला ATM कार्ड देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेम वही पेपर और कवर और एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट, और इस इंस्ट्रक्शन बुकलेट में आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है, जबकि उस बुकलेट में इंग्लिश में लिखा हुआ था। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और उसके बाद ये है कवर, इसमें आपको ATM कार्ड अपना रखना है, और इसमें भी सेम वही इंस्ट्रक्शन ATM पिन जनरेट करने के। और आपको कार्ड दिखा देते हैं, ये कार्ड रुपए का है, इसे हमने अप्लाई नहीं किया था, इसे SBI ने खुद दिया है। यहाँ पर भी आपको अपना एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, और पीछे आप देख सकते हैं कि सेम वही इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना ATM पिन बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक कार्ड दिखा देता हूँ, जो कि इसमें चिपकाया गया है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें चिपकाया जाता है, और यहाँ पर भी आपको रुपे कंपनी का एक 3D होलोग्राम दिखेगा, आप देख सकते हैं कि जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे भी कवर में डाल देता हूँ, इसके साथ आपको एक अच्छा कवर भी मिलता है। तो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खोलकर दो दो डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग और बहुत सारी सर्विस ले सकते हैं। अकाउंट ओपन करना और ATM कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।